बिग बॉस सीजन 14 कंटेस्टेंट राहुल वैद्य की जमकर तारीफ हो रही है सोशल मीडिया पर। आखिरकार इस तारीफ की वजह क्या बनी है, चलिए बताती हूँ। नमस्कार, मैं हृदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। वेल, आप सभी को बता दूं कि सीजन 14 के अंदर अलग अलग पर्सनालिटीज आई हैं, जिसमें से कई लोगों को शायद आप जानते भी होंगे और कई लोगों को आप नहीं भी जानते होंगे और कई लोगों को आप जानने की कोशिश कर रहे होंगे। अब ऐसे में राहुल वैद्य एक ऐसी पर्सनालिटी निकल कर आई है जिसमें कई अलग अलग तरीके की चीजें जो है हमें देखने को मिली है, लेकिन एक चीज जो हर किसी ने नोटिस की है वो ये कि ये बंदा कभी भी हार नहीं मानता। जी हाँ, और यही एक कारण है जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर लोग इन्हें पसंद भी कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने तो इतने सारे मुद्दे लेकर आए हैं जिसकी वजह से लोगों को इनसे नफरत करनी चाहिए या इन्हें बॉयकॉट करना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। इनकी वजहें हैं, वजह ये है, चलिए बताती हूँ। वेल, जब भी हम बिग बॉस के घर में, आप और मैं, हम लोग कभी नहीं गए हैं, लेकिन हम जब एक घर में, ऐसे घर में जाते हैं जहां पर हमें कुछ 13 से 14 लोग, अनजान लोग दिए जाते हैं, जिनमें से ना तो कोई हमारा दोस्त होता है, ना ही कोई हमारा दुश्मन होता है, ना हम किसी को दोस्त बना सकते हैं, ना ही हम किसी को दुश्मन करार कर सकते हैं, लेकिन हमें फिर भी उनके साथ रहना भी होता है, खाना भी होता है और अपने अपने काम जो है वो खुद से करने भी होते हैं। अब ये तो होती है बिग बॉस के घर की जिंदगी। अब ऐसे में राहुल वैद्य शुरुआत से सीजन में आए हैं और सीजन में आने के बाद से ही उनकी दोस्ती कभी किसी के साथ नहीं हुई, और एका दुका राहुल वैद्य की दोस्ती हुई निकी तांबोली के साथ में, जान कुमार के साथ में और साथ में निशान मलका ने, जिन्होंने भी अपनी दोस्ती में पे बैक वाली दोस्ती को सामने लेकर आए, जो कि राहुल वैद्य को ना तो समझ में आती है ना ही उन्हें पसंद आती है। उसके बाद उन्होंने मुद्दा उठाया नेपोटिज्म का। जी हाँ, नॉमिनेशंस के दौरान मुद्दा सामने आया कि भाई मैं जो है वो नॉमिनेट करना चाहता हूँ जान कुमार को, क्योंकि मुझे नेपोटिज्म से नफरत है। खैर, बिग बॉस के घर में नेपोटिज्म के लिए जगह तो नहीं थी, वजह भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी घर वाले जो थे वो राहुल वैद्य के सबके सब खिलाफ हो गए। ऑल कंटेस्टेंट वर्सेस ओनली राहुल वैद्य, ये भी देखने को मिला, लेकिन इस बंदे को टूटते हुए नहीं देखा, इस बंदे को इमोशनल होते हुए नहीं देखा। आपको याद दिला दूं, वीकेंड के वार पर राहुल वैद्य ने एक ऐसी बात कही थी जिसे सलमान खान ने भी अग्री कहा था। उन्होंने कहा कि ना तो मैं कोई सस्ती दोस्ती करता हूँ, ना ही मैं किसी के आगे सस्ती सॉरी रखता हूँ कि भाई चीजें करते रहो और तुम उसमें मीन नहीं करते हो और आप बार बार जाके उसको सॉरी बोलते रहो जस्ट बिकॉज वो दोस्ती तुम्हारे काम आ सके, मेरे बस की नहीं है। मैं ना तो यहाँ दोस्त बनाने आया हूँ, ना मैं दुश्मन बनाने आया हूँ, मैं यहाँ पर अपना गेम खेलने आया हूँ। अब आपको बता दूं कि कल जो घर में हुआ उसकी हद ही पार थी। कल बजर टास्क के बाद दौरान की बातें जो है वो शुरू हुई घर के अंदर, जिसमें यहाँ पर कंटेस्टेंट ने उन पर एलिगेशन लगाया कि वो बजर टास्क के दौरान चाकू लेकर आने वाले थे, जिसकी वजह से उन्हें घर वालों ने क्रिमिनल कंटेस्टेंट का नाम भी दे दिया। जी हाँ, कि ये कहीं ना कहीं क्रिमिनल अटेंड करने वाले हैं, और जिस तरीके से जैस्मिन के साथ में हुआ और जैस्मिन ने एलिगेशन लगाए, काफी ज्यादा इमोशनल हो गई है, तो ये सब चीजें हुई। लेकिन राहुल वैद्य टेस्ट से मस्त नहीं हुए, तारीफ करनी पड़ेगी। अपने इमोशंस का जो भान जो वो लेकर चल रहे हैं, उस भार को जो है उन्होंने टूटने नहीं दिया है। अब ऐसे में सोशल मीडिया पर हर कोई इस बात की तारीफ भी कर रहा है। ऐसे में मैं आप लोगों की राय जानना चाहूंगी कि आप लोगों के हिसाब से आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि कल राहुल वैद्य थोड़ा इमोशनल हुए लेकिन अकेले में निकी तांबोली के सामने। अचानक वाली बात है कि निकी तांबोली वहां पर थी, लेकिन आप लोगों के हिसाब से आप लोगों की क्या राय है, राहुल वैद्य आप लोगों को घर के अंदर कैसे लग रहे हैं और कब तक अपने इस सब्र के बान को वो संभाल कर रख पाएंगे, राय कमेंट सेक्शन में रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।